हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब डॉक्टर फैमिली में आप लोग का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, आज आप लोग को इस वीडियो में मॉन्टेग्यू चेम्स फोर सुधार अधिनियम 1919 इस पे चर्चा करूंगा। मॉन्टेग्यू चेम्स फोर सुधार अधिनियम 1919, इससे पहले क्या क्या घटनाएं भारत के अंदर घट चुकी थी। विश्व स्तर पे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक समाप्त हो चुका होता है तथा भारत में भी होम लीग आंदोलन स्टार्ट हो चुका होता है। पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा स्वराज की मांग तेज करने के लिए होम रूल आंदोलन स्टार्ट हो चुका होता है। अब भारतीयों को स्वशासन की मांग तेज हो चुकी होती है उनके द्वारा, इसके कारण अंग्रेजों को भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए 1919 में एक अधिनियम को पारित करना होता है जिसको हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1919 कहते हैं। उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन दोनों के नाम पे ही यह सुधार अधिनियम को लाया गया था, इसीलिए इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 की संज्ञा देते हैं। 1919 में इसको पारित किया गया था लेकिन इसको लागू करवाया गया 1921 में। इसके निम्न प्रावधान है, देख लेते हैं। हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट से जितना भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारा का सारा पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो थोड़ा सा गौर से बारीकी से देखिएगा। सबसे पहला, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। इससे पहले विधायी कानून को पारित करने के लिए केंद्र स्तर पर सिर्फ एक सदन की व्यवस्था की गई थी। 1919 में जिस प्रकार से अभी स्वतंत्र होने के बाद भारत में लोकसभा और राज्यसभा जैसी दो सदन की व्यवस्था की गई है, ठीक उसी प्रकार से यह पहला प्रयास 1919 के अधिनियम में किया गया था। एक अपर हाउस जिसके तहत राज विधान परिषद जो आज के डेट में राज्यसभा कहलाता है, और एक लोअर हाउस जिसको उस समय राज विधान सभा जो आज के डेट में लोकसभा कहलाता है, इसकी स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत। दो सदन, ठीक है, एक राज विधान परिषद और दूसरा राज विधान सभा। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इससे पहले हम लोगों ने देखा था 1892 के अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी प्रांतों में। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा प्रांतों के अंदर जो है वो प्रांतीय विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति की जाने लगी थी, ठीक है। इसमें आधार क्या है, क्या सभी व्यक्तियों को चुनाव देने का अधिकार था? अभी भी नहीं है, वयस्क मताधिकार है, मतलब 18 वर्ष आयु कंप्लीट होने के बाद हम लोग वोट कर सकते हैं। उस समय यह अधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, इसका आधार संपत्ति, टैक्स और शिक्षा के आधार पर था। जो ज्यादा शिक्षित थे वो व्यक्ति चुनाव प्रणाली में वोट कर सकते थे। इसके अलावा जिनको टैक्स दिया जाता था जिनके द्वारा, वे व्यक्ति भी मत देने के अधिकारी होते थे। इसके अलावा जो जमींदार वर्ग के लोग होते थे जिनके पास अथाह संपत्ति होती थी या समाज में उनका थोड़ा सा वर्चस्व ज्यादा होता था संपत्ति को लेके, उनको भी अधिकार निर्वाचन पद्धति में वोट देने का अधिकार प्राप्त था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी 1919 के अधिनियम के तहत होती है। इसके आगे बढ़ते हैं, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता वर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। परतंत्र मतलब हम किसी के गुलाम हैं और स्वतंत्र मतलब हम पूर्णतः अपने आप पे स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इस दोनों के बीच के, ये दोनों शब्दों के बीच का एक अर्थ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वायत्तता। इसका मतलब पूर्णतः हम न तो स्वतंत्र हैं और पूर्णतः न तो हम परतंत्र हैं। आज से कुछ दिनों पहले तक धारा 370 लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर पे लागू था, जिसके तहत वहां पे द्वैत शासन की व्यवस्था थी, वहां पे स्वायत्तता थी। कहने का मतलब अपने क्षेत्र में प्रांत स्तर पे बहुत सारे नियम कानून बनाने का, यहां तक कि नागरिकता का भी अधिकार जम्मू कश्मीर को प्राप्त था। तो कुछ उसी प्रकार का जो है शक्ति उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय प्रांतों को दिया गया था जिसे हम स्वायत्तता कहते हैं। इसके तहत कुछ विषयों पे नियम कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्रांतों को मिल चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन।
थोड़ा सा इसको भी ठीक से समझ लेते हैं। द्वैध मतलब दो शासन, दो लोगों का शासन या दो वर्गों का शासन या दो तरह से शासन, ये मतलब होता है द्वैध शासन का। द्वैध शासन भारत में इसका कुछ इतिहास रहा है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। अभी 1765 से 1772 तक बंगाल के क्षेत्र में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लाया गया। उस समय बंगाल के नवाब को कर्तव्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को अधिकार प्राप्त था। कहने का मतलब बंगाल क्षेत्र में 1765 से लेके जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो चुका होगा और 64 में बक्सर का युद्ध समाप्त हो चुका होता है, 65 से 72 तक के बीच में वहां पे दो लोगों का शासन था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर का और दूसरा बंगाल के नवाब। गवर्नरों के पास जितने भी अधिकार थे वो दे दिए गए थे, जैसे टैक्स वसूलना, राजस्व, वित्त, वाणिज्य, ये सभी क्षेत्र जो थे वो गवर्नर के अधीन थे। व्यापार किससे किया जाएगा, किसके चुंगी लगाया जाएगा, ये सभी अधिकार जो थे वो गवर्नर ने अपने अधीन रखे थे। जबकि जितने भी कर्तव्य थे जैसे नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित, परिवहन को सुधारने से संबंधित जैसे सड़क निर्माण, पुल निर्माण, इसके अलावा हम कह सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब कर्तव्य होते हैं किसी भी शासन के। तो ये सारा जो कर्तव्य था वो मत दिया गया था नवाबों पे और सारे अधिकार गवर्नर के पास चले गए थे। तो उस दौरान बंगाल में द्वैध शासन लागू था, इस प्रकार को भी हम लोग द्वैध शासन करते हैं। आगे बढ़ के 1919 में जो विषय होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी शासन के अंदर बहुत सारी शक्तियां होती है, उसको हम विषय के रूप में जानते हैं। अभी करेंट में तीन तरह की विषयों को तीन तरह की सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। कुछ ऐसे शक्तियां हैं या ऐसे विषय हैं जिन पे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, कुछ राज्य सरकार के पास है और कुछ भी दोनों कानून बना सकते हैं। तो उस समय विषयों को दो आधार पे बांटा गया था, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय क्या था, हस्तांतरित विषय के अंदर जो भी सब्जेक्ट आता था उसपे कानून बनाने के लिए राज्य के गवर्नरों को अपने कार्यकारिणी परिषद की सलाह के अलावा केंद्रीय विधान परिषद के मंत्री की सलाह लेनी जरूरी होती थी। कहने का मतलब यदि केंद्रीय विधान परिषद, यहाँ पे ये जो दोनों संस्थाएं हैं, इन दोनों संस्थाओं के जो मंत्री हुआ करते थे वो यदि परमिशन नहीं देंगे तो राज्य के गवर्नर कोई भी नियम कानून हस्तांतरित विषय से संबंधित नहीं बना सकते। इसके अलावा दूसरा एक विषय आरक्षित विषय, जिसपे गवर्नर जो है अपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की सलाह से कोई भी नियम कानून बना सकते थे। इसके लिए ये जो आरक्षित विषय थे उसके लिए गवर्नरों को मंत्री की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती थी। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। हस्तांतरित विषय में वित्त आता है, राजस्व आता है, जैसे हमें लगान में वृद्धि करनी है, तो ये हस्तांतरित विषय था और वृद्धि या कमी करने का जो अधिकार था वो केंद्र के मंत्रियों की सलाह से ही हो सकते थे प्रांतों में। जबकि सड़क निर्माण है, स्वास्थ्य, शिक्षा है, तो इन सब विषयों पे राज्य के गवर्नर खुद ब खुद निर्णय ले सकते। तो इस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत। आगे चल के हम देखेंगे 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है और फिर केंद्र में लग जाता है, तो वो सब आगे देखेंगे अगले वीडियो में। हाँ, एक और चीज, द्वैध शासन ये जो वर्ड है इसके जनक कौन थे, तो इस थ्योरी के, इस सिद्धांत के जनक लियोने कार्टिस है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है द्वैध शासन के जनक कौन है, लियोने कार्टिस, ये एक अंग्रेजी विद्वान कह सकते हैं इनको, इतिहासकार, इनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि शासन पद्धति में दो लोगों के हाथ में शासन होना चाहिए। तो द्वैध शासन के जनक लियोनल कार्टिस। आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार से 1909 के मार्ले वित्त सुधार अधिनियम में हम लोगों ने देखा था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए इसको अब सिखों, ईसाइयों और आम भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो भारत को तोड़ने का जो सिलसिला जारी किया गया था उसको और आगे बढ़ाने का काम 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। इसके अलावा 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग केंद्र स्तर पे, जिसको यूपीएससी आज के डेट में हम कहते हैं, तो
तो यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया और 1926 में जाके इसका गठन किया गया। तो भारत में यूपीएससी किस अधिनियम के तहत लाया गया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत। तथा इसे कब किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष इसका गठन किया गया? तो यूपीएससी का गठन 1926 में किया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के अंदर एक कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारतीय वित्त की देख लेख करती है या कह सकते हैं मॉनिटर करने का काम करती है। तो ये कैग जो है और इसके पद का जो है सृजन भी 1919 के अधिनियम के तहत ही हुआ था और यह अपना रिपोर्ट जो है वो पेश करती थी भारत सचिव को। आज के डेट में कैग किसको रिपोर्ट पेश करता है? राष्ट्रपति को। उस समय भारत सचिव को रिपोर्ट पेश किया करता था। इसके अलावा एक और भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय, पहला एम्बेसी जो है वो भारत का वो बनाया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। इससे भी हमें पता चलता है कि भारत में प्रांतों के अंदर स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। तो हम कम से कम लंदन से हम विदेश नीति पे चर्चा कर सकते थे। इसके लिए भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय का लंदन में स्थापना किया गया। कह सकते हैं पहला जो एम्बेसी भारत का वो कौन सा हुआ था? लंदन में स्थापित हुआ था। इस अधिनियम के तहत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रांतों में स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैत शासन, पृथक निर्वाचन, लोक सेवा आयोग का गठन, कैग का पद और भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय लंदन में, ये सभी व्यवस्थाएं 1919 के अधिनियम के तहत की गई है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।